व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं डिलीट टेलीग्राम और गो टू जेल, टेलीग्राम बैन एक्सप्लेन। तो अभी ये न्यू चैलेंज से वीडियो है, पूरा मामला समझ जाएगा कि जो उसका जो सीईओ है या ओनर है या क्या फाउंडर है, उसको अरेस्ट भी किया गया था अभी हाल ही में। तो भैया देखते हैं क्या हमारे लिए भी खतरे की घंटी है ये मामला। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 टेलीग्राम के सीईओ पावेल ड्रॉफ अब जेल में। फ्रांस ने इस रशियन बॉर्न बिलियनर को हिरासत में ले लिया और हो सकता है फ्रांस उन्हें 20 सालों के लिए जेल में रखे और उन पर आरोप भी काफी सीरियस हैं। मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड, यहां तक टेररिज्म को सपोर्ट करना भी। अगर आप इंटरनेट यूज करते हैं, आपने कभी भी इलीगली मूवीज डाउनलोड की हैं या फिर कोई ऐसी लिंक फॉरवर्ड की है जो वेरिफाइड न्यूज ना हो, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। इस वीडियो में हम समझेंगे कि टेलीग्राम डेंजरस क्यों हो सकता है। सरफेस लेवल पर ये लगती एक टेक स्टोरी, लेकिन असल में इसका जियोपॉलिटिक्स से कनेक्शन है, क्योंकि इस एक अरेस्ट से फ्रांस रशिया के राज जाता है और इस एक अरेस्ट की वजह से यूएई ने फ्रांस से 80 जेट्स खरीदने की डील को होल्ड पे रख दिया है। चलिए समझते हैं इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। Yes. क्योंकि सरकार के मनमानी से अगर दुरोव जैसा बिलियनर बच नहीं सकता तो आप और हम कौन होते हैं। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप में से सिर्फ 30% लोगों ने ही चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। सबसे पहले समझते हैं कि टेलीग्राम अलग कैसे। आज टेलीग्राम को दुनिया भर में 1 बिलियन लोग इस्तेमाल करते हैं और उनका सबसे बड़ा मार्केट इंडिया ही है। इनफैक्ट सिर्फ भारत में ही 50 लाख लोग टेलीग्राम यूज करते हैं। टेलीग्राम स्पेशल है क्योंकि टेलीग्राम कोई एड्स नहीं चलाता और उनके पास सिर्फ 30 एम्प्लॉइज ही हैं। टेलीग्राम की शुरुआत 2013 में पावेल और निकोलाय दुरोव ने की। पावेल दुरोव को रशियन मार्क ज़करबर्ग भी कहते हैं। ये एक काफी कॉन्ट्रोवर्शियल इंसान है। पावेल दुरोव का जन्म सोवियत रशिया में हुआ, लेकिन वो मल्टीपल सिटीजनशिप होल्ड करते हैं। वो यूएई और फ्रांस के भी सिटीजन हैं, और वो फ्रांस के सिटीजन हैं, इसीलिए फ्रांस की सरकार को एक रीजन ही मिल गया उन्हें अरेस्ट करने का। फ्रांस की सरकार मानती है कि टेलीग्राम लॉ एनफोर्समेंट यानी पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं करता। पावेल दुरोव की नेटवर्थ है $15 बिलियन, लेकिन फिर भी उनके पास कोई एसेट्स है ही नहीं। वो कहते हैं कि उनके दुनिया भर में 100 से ज्यादा बच्चे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी शादी नहीं की। टेलीग्राम दूसरे चैटिंग वाले ऐप से डिफरेंट क्या बनाता है? एक्चुअली दुरोव ने एक स्कीम निकाली जिससे यूजर्स क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करके फेक फोन नंबर्स खरीद सकते थे और उससे टेलीग्राम यूज कर सकते थे। यानी अगर आप कोई भी इलीगल एक्टिविटी करना चाहते हैं तो आपको आपका खुद का नंबर यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीधे एक फर्जी नंबर खरीद सकते हैं, वो भी फ्रैगमेंट ब्लॉकचेन के साथ, जिससे आपको ट्रैक करना नामुमकिन हो जाए। और फिर अपना काम हो जाने पर ये नंबर आप डिलीट भी कर सकते हैं या फिर फ्रैगमेंट की मार्केट प्लेस पर बेच भी सकते हैं। टेलीग्राम एड्स तो नहीं चलाता, तो ऐसे ही तरीकों से पैसे कमाता है। बेसिकली ये एक लूप होल है जो क्रिमिनल्स को एनकरेज करता है कि टेलीग्राम पर आओ और यहाँ अपना काम करो। इसीलिए आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट स्कैम्स, क्रिप्टो वाले स्कैम्स और यहाँ तक स्कैम कॉल सेंटर्स के लिए रिक्रूटमेंट टेलीग्राम पर ही होती है। स्कैम कॉल सेंटर्स के बारे में हमने इस वीडियो में बात भी की है। टेलीग्राम दूसरे चैट एप्लीकेशन से अलग कैसे? जो प्रॉब्लम्स टेलीग्राम पर हैं वो व्हाट्सएप पर भी तो हो सकते हैं। टेलीग्राम अलग है क्योंकि टेलीग्राम एक अलग टाइप का एनक्रिप्शन यूज करता है। लेट मी एक्सप्लेन। व्हाट्सएप तो सभी यूज करते हैं, तो व्हाट्सएप पे किसी भी चैट में आपको ये मैसेज दिखता होगा, मैसेजेस एंड कॉल्स आर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। इसे E2EE कहते हैं। ये काम कैसे करता है? ये काम करता है दो चाबियों की मदद से। एक चाबी जो सेंडर के डिवाइस में होती है और दूसरी चाबी रिसीवर के डिवाइस में होती है। इंक्रिप्शन को आप एक ताले के तौर पर इमेजिन कीजिए। जब आप व्हाट्सएप पर एक मैसेज टाइप करते हैं और सेंड का बटन दबाते हैं तो मैसेज लॉक हो जाता है। लॉक यानी आपका मैसेज कुछ ऐसे कोड लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, फिर वो दुनिया घूमकर अपने करेक्ट रेसिपिएंट के पास पहुंचता है। उसके डिवाइस में ही दूसरी चाबी होती है जिससे ये मैसेज नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है, ताकि सिर्फ वही इंसान उसे पढ़ पाए। एक बात समझिए कि बड़ी बड़ी टेक कंपनीज आपके डेटा की कॉपीज उनके पास रखती हैं। ऐसे डेटा सेंटर्स होते हैं, लेकिन E2EE में होता यह है कि उनके पास इंक्रिप्टेड यानी लॉक मैसेजेस रहते हैं जो आपके डिवाइस को छुए बगैर वो खुद भी पढ़ नहीं सकते। ये क्लियर हुआ तो अब समझते हैं कि टेलीग्राम क्या करता है। टेलीग्राम प्राइवेट चैट्स के लिए एंड टू एंड इंक्रिप्शन रखता है, लेकिन सिर्फ सीक्रेट चैट्स के लिए, जो एक फीचर है जो आपको मैन्युअली इनेबल करना पड़ता है। लेकिन साथ ही साथ
उस इंक्रिप्शन को अनलॉक करने की एक चाबी टेलीग्राम अपने पास भी रखता है। ये चाबी सरकार को चाहिए। इसके बारे में और डिटेल में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसा एक डेटा सेंटर नहीं होता जहाँ सारा का सारा डेटा एक साथ होता है। इमेजिन कीजिए, आपके एक मैसेज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है और इस मैसेज का एक टुकड़ा होगा रशिया के मॉस्को में, दूसरा टुकड़ा होगा सिंगापुर में, तीसरा टुकड़ा होगा दुबई। तो अगर FBI को आपका मैसेज पढ़ना है तो उन्हें एक नहीं तीन तीन जगह पर रेड मारनी होगी तो वो आपका मैसेज पढ़ पाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। ऐसा लगता है कि फ्रांस की सरकार दुरोव को पकड़ने के बाद उसे सीक्रेटली एक ऑप्शन देगी, या तो 20 साल जेल में बिताओ या फिर हमें उस चाबी की एक कॉपी दे दो ताकि हम नजर रख पाए कि कौन फ्रांस के बारे में क्या कहता है। फ्रांस इस स्टांस को जस्टिफाई ऐसे करता है कि अगर टेलीग्राम खुद अपने कंटेंट को कंट्रोल नहीं कर सकता, वहां होने वाला गैम्बलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, पायरेसी और स्कैम्स रोक नहीं सकता, तो सरकार को इंटरफियर करना होगा। टेलीग्राम का ये किस्सा हमें सिल्क रोड की याद दिलाता है। सिल्क रोड एक डार्क वेब बेस्ड सर्विस थी जहां लोग ड्रग्स या वेपन्स खरीद सकते थे, जिनके फाउंडर को भी अमेरिका में अरेस्ट हुई थी। यानी एक प्लेटफॉर्म पर होने वाले क्राइम्स की सजा उसके फाउंडर को दी गई। ये हो गई टेलीग्राम की बात। अब समझते हैं भारत को टेलीग्राम से क्या प्रॉब्लम है। इवन भारत में भी टेलीग्राम बैन होने के चांसेस हैं। भारत में टेलीग्राम को बैन करने के तीन मेन रीजंस हैं। एक है स्कैम्स। टेलीग्राम पर एक्सटॉर्शन, गैम्बलिंग और शेयर मार्केट फ्रॉड होता है। सेबी ने इसी साल जुलाई 24 को एक स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन स्कीम आइडेंटिफाई की, जिसके थ्रू ग्रुप का एडमिन 20 लाख रुपए लेकर स्टॉक प्राइसेस मैनिपुलेट कर रहा था। प्लस भारत में कई स्कैम कॉल सेंटर्स होते हैं जो अपनी रिक्रूटमेंट टेलीग्राम के थ्रू करते हैं, जिनके बारे में हमने इस वीडियो में बात भी की। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आने वाला इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। दूसरा रीजन है पेपर लीक्स। इस साल नीट की कंट्रोवर्सी में ये सामने आया कि टेलीग्राम पर कई बार एग्जाम के पेपर्स लीक होते हैं। UGC NET 2024 पेपर लीक, नीट UG 2024 पेपर लीक, MPPSC पेपर लीक, UP पुलिस एग्जाम पेपर लीक, CISCE स्टैंडर्ड 12 केमिस्ट्री पेपर लीक। ये तो कुछ ही एग्जाम्स है जिनमें टेलीग्राम पर पेपर लीक्स होने की खबरें आई। और तीसरा रीजन है पायरेसी। टेलीग्राम पायरेसी के लिए नंबर वन सोर्स है। भारत में कोई भी मूवी या सीरीज आते ही टेलीग्राम पर लीक हो जाती है। टेलीग्राम पर एक ग्रुप में 2 लाख लोग हो सकते हैं, तो ये पायरेटेड मूवीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने में हेल्प होती है। हिंदी HD मूवीज नाम का एक टेलीग्राम चैनल था जिसके पीक पर 2 मिलियन फॉलोअर्स थे। ग्लोबल मीडिया इंडस्ट्री हर साल 39 बिलियन से लेकर 95 बिलियन डॉलर्स पायरेसी की वजह से खो देती है। इस साल मुंबई पुलिस ने BJ टेक नॉलेज नाम का एक टेलीग्राम ग्रुप शट डाउन कर दिया। इसके अगेंस्ट डिज्नी ने कंप्लेंट दर्ज की थी कि वो हॉटस्टार पर आने वाला कंटेंट पायरेट करते हैं। ये चैनल 300 रुपए लेकर लोगों को पायरेटेड कंटेंट बेचा करता था और इसके 5000 एक्टिव पेइंग मेंबर्स थे। यानी अब पुलिस भी पायरेसी के अगेंस्ट एक्शन ले रही है। तो अगर आप गलती से या जानबूझकर ऐसे पायरेसी करने वाले चैनल्स का हिस्सा हैं, तो अभी के अभी सुधर जाइए, नहीं तो आप पर भी केस हो सकती है। लेकिन टेलीग्राम के फाउंडर को अरेस्ट होना सिर्फ एक टेक स्टोरी नहीं, ये एक जियो पॉलिटिकल स्टोरी भी है। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन कहते तो हैं कि इस अरेस्ट का कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है, लेकिन अगर कनेक्शन नहीं है तो एक प्रेसिडेंट को क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत क्या है। फ्रांस कहता है कि दुरोव के अगेंस्ट ऑलरेडी एक अरेस्ट वारंट निकाला गया था, लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि अगर दुरोव को ये पता था कि फ्रांस उन्हें अरेस्ट करने वाला है तो वो फ्रांस गए ही क्यों। वो तो अजरबैजान से अपने प्राइवेट जेट से लौट रहे थे और पेरिस बस कुछ ही समय के लिए रुके थे जहां उन्हें अरेस्ट हुई। इंटरनेट पर ऐसी खबर फैली कि उन्हें हनी ट्रैप किया गया है। जूली वाविलोवा नाम की एक एजेंट ने उन्हें फ्रांस बुलाया, लेकिन ये बस एक वाइल्ड थियोरी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि रशिया चाहता है कि दुरोव फ्री हो जाए। अगर दुरोव अपने डेटाबेस का एक्सेस फ्रांस को देता है तो इसका मतलब टेलीग्राम पर रशियंस का जो सारा डेटा है वो भी नेटो के हाथ लग जाएगा। इनफैक्ट रशिया ने खुद उनका डेटा एक्सेस करने की कोशिश भी की है। 2014 में दुरोव ने फेसबुक जैसा एक ऐप स्टार्ट किया था। इस ऐप का नाम था वी कॉन्टैक्ट और VK इट मीन्स कॉन्टैक्ट, जिसका डेटा एक्सेस करके रशिया यूक्रेनियन सपोर्टर्स को आइडेंटिफाई करना चाहता था। जब दुरोव ने डेटा देने से इनकार कर दिया तो उन्हें उनकी ही कंपनी एक दूसरे रशियन कंपनी को फोर्सफुली बेचनी पड़ी और इसी सिलसिले में उन्होंने रशिया भी छोड़ा। ये इस बात का प्रूफ है कि दुनिया की सारी गवर्नमेंट्स टेक कंपनीज को कंट्रोल करना चाहती है। और ये सिर्फ टेलीग्राम या VK तक लिमिटेड नहीं है,
मेटा ने भी ये कंफर्म किया है कि बाइडेन की सरकार ने कोविड के समय उन पर कई रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे ताकि वो कोविड रिलेटेड कंटेंट सेंसर करे। आज रशियन स्टेट डूमा चेयरमैन कहते हैं कि इस अरेस्ट के पीछे अमेरिका हो सकता है। आपने नोटिस किया होगा कि सारी बड़ी टेक कंपनीज अमेरिकन कंपनीज है। टिकटॉक इकलौता ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो पॉपुलर भी है और नॉन अमेरिकन कंपनी भी। कहते हैं डेटा इज द न्यू ऑयल, तो कई अमेरिकन कंपनी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बड़ा होते हुए नहीं देखना चाहती। अब यहाँ दुरोव की मल्टीपल देशों की सिटीजनशिप एक कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी कर रही है क्योंकि वो बाय बर्थ रशियन है और अब फ्रांस और यूएई की सिटीजनशिप भी उनके पास है। यूएई के फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं कि वो दुरोव के अरेस्ट को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और इसकी पनिशमेंट फ्रांस को ऑलरेडी मिल रही है। यूएई ने फ्रांस के साथ 80 फाइटर जेट्स खरीदने की डील की जिसकी वैल्यू $10 बिलियन थी। ये कॉन्ट्रैक्ट अभी के लिए सस्पेंड हो चुका है। इलॉन मस्क जैसे टेक फाउंडर्स भी फ्रांस को सवाल पूछ रहे हैं कि फ्रांस को इस अरेस्ट के पीछे का लॉजिक एक्सप्लेन करना इम्पोर्टेंट, क्योंकि जैसे आज दुरोव को अरेस्ट हुई है कल जाकर इलॉन मस्क को भी हो सकती है। कुछ ही दिनों पहले हमने इस वीडियो में बताया था कि कैसे इलॉन मस्क ने कहा था कि यूके में सिविल वॉर हो सकती है और उसके बाद रायट्स भी हुए। सोशल मीडिया का बदलता हुआ सिनारियो हम सब के लिए एक वार्निंग है कि हमें हम सोशल मीडिया पर क्या कहते हैं इसके बारे में केयरफुल रहना ही होगा। टेलीग्राम में सिक्योरिटी इश्यूज तो हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या इन इश्यूज की वजह से टेलीग्राम के फाउंडर को अरेस्ट होना और उन्हें 20 सालों की जेल होना ठीक है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि बदलती हुई दुनिया की इम्पोर्टेंट बातें आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। टेलीग्राम पे सॉरी उस पे होता गया, व्हाट्सएप जैसा ही क्या है, व्हाट्सएप जैसा ही है, लेकिन वही वो इनक्रिप्ट उस तरीके से इनक्रिप्ट रहता है मतलब, और वही पायरेसी बहुत चलती है, मूवीज के ग्रुप्स बन जाते हैं। मैंने उस पे इंस्टा किसी पे सुना है कि मतलब वो वाली मूवी देखनी है तो उस पे देख लेना, टेलीग्राम पे डाल दिया। अरेस्ट करा है, मेरे को लगता है कि उसको केस चलाना चाहिए। आप कोर्ट में आप ले जाओ, समन करो कोर्ट में, कंपनी के अगेंस्ट फाइल करो, तब बात करो, फिर कोर्ट क्या डिसीजन लेता है वो चीज़। बट बाकी वही है, वो उनका अब देश है, देश जो चाहेगा। जैसे ब्राज़ील ने कुछ वो रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी ट्विटर, जो अब एक्स हो चुका है, तो इलॉन मस्क ने शट ही कर दिया वहाँ पर फिर वो एक्स को। तो ये चीज़ है जो कि, और ये सही बोला कि हर कंट्री पॉलिटिक वो जितने भी देश हैं ये सब चाहते कहीं ना कंट्रोल करना, ये चीज है। सबको अपनी सिक्योरिटी चाहिए, हर एक चीज में क्या चल रहा है क्या नहीं। अभी सुनने कितने चाइनीज एप्लीकेशन तो इंडिया ने बैन करे थे, आपको याद होगा कि डेटा वो करते हैं ये, तो मामला बड़ा पेचीदा है। लेकिन एंड ऑफ द डे भाई देखो, सरकार भी अगर कुछ सोच रही है तो वो भी कुछ ना कुछ तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो सिटीजन के बारे में भी सोच ही रही होगी कुछ क्या गड़बड़ है। और हाँ, बहुत स्कैम्स भी होते हैं, ये तो है। अभी हाल ही में वाली न्यूज भी आई थी इसके लिए रिलेटेड, ये स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए बहुत सारी फेक खबर भी चलाई जाती है, बहुत चीजें होती है ग्रो बना के वहां पर, तो चीजें हो रही है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा सेंसर करना पड़ेगा और उसके मेरे को लगता है इंडियन गवर्नमेंट भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो डिसीजन लेने वाली होगी, क्योंकि जब बैन करा था उनको भी, जैसे पबजी को भी एक टाइम पर हटा दिया था कि जब वो लगा था कि हमारे सिक्योरिटी के लिए वो सही नहीं है, लोगों के डेटा के लिए, तो वही चीज़ है भैया। टेलीग्राम हम तो ना ही करते यार यूज़ टेलीग्राम, एक बार इंस्टॉल करके छोड़ दिया था हमने, तो बस इतना कुछ पता नहीं भैया क्या किस डायरेक्शन में जाएगा। अब अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं इस बारे में, क्योंकि इतना ही था। और हाँ, हनी ट्रैप वाली बात आती है तो क्या पता हो भी गया भैया, जब जो कह रहा है कि जिसके 100 से ज्यादा बायोलॉजिकल बच्चे हैं तो उसके अफेयर कहाँ चल रहे होंगे, दान पात्र खोल के चल रहे हो इंसान, तो भैया हो गया हनी ट्रैप, उसने चल जाते वहां पर, क्या पता वहां पर भी उसका कोई हो, क्या बोलते हो, बायोलॉजिकल एक और हो कोई, या फिर नया नई नई तरीके से वहां पर जाने की सोच रहा भाई साहब, कैसा नो हो रहा है कहते हैं, पैसा है ज्यादा ही। मिलते हैं आपसे कोई के साथ, अपना पॉइंट भी आप लोग भी शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।